अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब जानकारी मिली कि एक छात्र छत पर फंसा है जिसे सुरक्षित बचाना है। आनंद फानन में 9वीं बटालियन की आपदा प्रबंधन टीम पहुंची और युवक को सकुशल बचा लिया। दरअसल पूरा मामला मॉक डील का था, जहां यह एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में विषम परिस्थितियों में किस तरह से लोगों को त्वरित मदद की जाए, इसके लिए मॉक डील के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। आइए दिखाते हैं पूरा कार्यक्रम और सुनाते हैं इसका क्या उद्देश्य था और किस तरह से आपदा के समय राहत पहुंचाई जा सकती है। कम से कम बेसिक चीजों को जान ले कि भाई आग लग गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सांप ने काट लिया किसी को, और आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए हेड को कैसे इन्होंने कवर किया है, लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो ब्रेकिंग की मदद से बच्चे को हमारे रेस्क्यूअर एक आप देख सकते होंगे ऊपर से धीरे धीरे वो करके लाश कर रहे हैं रोप को। उसका कारण क्या है कि सेफ्टी के साथ विक्टिम को नीचे की ओर भेजा जा सके। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि अभी मैं सर से बात कर रहा था और आपके पास नहीं पाए। इस समय आप देख रहे हैं रीवा जिले में एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। एक्सीडेंट जब होते हैं तो हमें वहां पे रुकना चाहिए। जो भी आपको पूछना है, जो आपकी क्वेरी हो, हमेशा मतलब एमएफआर से रिलेटेड ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि कैसे उसको विक्टिम को स्टेबलाइज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 11 बटालियन NDRF जो कि बनारस में स्थित है, उसकी टीम के द्वारा हमारे कमांडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा सर की इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पे एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, जिसका थीम था अर्थक्वेक। मीन्स मॉक एक्सरसाइज का मतलब एक हमने अभ्यास के जरिए लोगों को ये मैसेज देना है, क्या प्रयास किया कि यदि ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो क्या करना है। तो इसमें हमने कुछ कटिंग टेक्निक्स का प्रदर्शन किया कि कैसे कटिंग करके विक्टिम्स तक पहुंचा जाता है, विक्टिम्स के पास पहुंचने के बाद उसको स्टेबलाइज करके कैसे एक्सट्रिकेट किया जाता है, उसको फर्दर हॉस्पिटल भेजा जाता है। प्लस जो सेकेंड हमने मॉक का अभ्यास दिखाया, उसमें ये दिखाया कि यदि कुछ विक्टिम्स जैसे कि मान लीजिए कि बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और कुछ लोग रूफ पे फंस जाते हैं, टॉप फ्लोर पे टेरेस पे फंस जाते हैं, तो उनको सर्टेन रोप रेस्क्यू टेक्निक्स का यूज़ करके उनको कैसे वहाँ से रेस्क्यू करके फर्दर उनको हॉस्पिटल कैसे शिफ्ट किया जा सकता है। जिसमें कि हमने दिखाया कि यदि हमने जस्ट एज्यूम किया कि कोई यदि बच्चा ऊपर फंस जाता तो उसको कैसे ले कर आना है, और कोई एडल्ट फंस जाता तो उसको उसी टेरेस पर स्टेबलाइज करके स्ट्रेचर के माध्यम से उसको रोप रेस्क्यू यूज़ करके नीचे कैसे लाते हैं। तो बेसिकली हमारा एक मॉक एक्सरसाइज था इस डिस्ट्रिक्ट में, जिसका थीम अर्थक्वेक था। नाम बता दीजिए अपना। मैं राम भवन डिप्टी कमांडेंट फ्रॉम 11 बटालियन NDRF वाराणसी।